Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shemaroo Kids. Shemaroo Kids. मैं बैठूंगा प्यारे सिंहासन पर, फिर न्याय करूंगा झटपट झटपट। हैं, कौन हो तुम? मेरा नाम चित्रलेखा है। चित्रलेखा? कल मैंने तुम्हें भी देखा है, अब किनारे खड़े रहो। इस सिंहासन पर बैठने की इतनी भी क्या जल्दी है? पहले महाराजा विक्रमादित्य की ये कथा तो सुन लो। आज तुम्हारी कोई भी कहानी मुझे सिंहासन पर बैठने से नहीं रोक सकती। सुनाओ। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य जंगल में शिकार करने निकले। राजन, ये फल लो, इसे खाने के बाद तुम्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। धन्यवाद ऋषिवर। रानी, ये लो, ये बहुत अद्भुत फल है। इस फल को खाने के बाद हमारे यहाँ यशस्वी और तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। अच्छा, तब तो मैं इसे अवश्य ही खाऊंगी। मगर महाराजा विक्रमादित्य की पत्नी नगर कोतवाल से प्रेम करती थी। रानी ने वो फल नगर कोतवाल को दे दिया, मगर नगर कोतवाल किसी और से प्रेम करता था। उसने वो फल अपनी उस प्रेमिका को दे दिया। ऐसा चमत्कारी फल खाने का अधिकार तो सिर्फ एक इंसान को है। वही फल? बताओ, ये फल तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज, ये फल तो मुझे नगर कोतवाल ने दिया है। नगर कोतवाल ने? रानी, हमने कुछ दिन हुए आपको एक अद्भुत फल दिया था। हाँ, वो फल तो मैंने उसी दिन खा लिया था। तो फिर ये क्या है? महाराजा विक्रमादित्य जंगल में तपस्या करने लगे। महाराजा विक्रमादित्य को तपस्या करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन जब उनका मन अपनी तपस्या से हटा तो उन्हें अपने राज्य के बारे में जानने की इच्छा हुई। राजा विक्रमादित्य जब अपने राजमहल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। महाराजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर अपना राजपाट संभाल लिया। राजन, ये ले, मैं तेरे लिए एक अद्भुत फल लाया हूँ। हे मुनिवर, कहिए इस अद्भुत फल के बदले हम आपको क्या दे सकते हैं? चले आओ मेरे साथ और मेरी मदद करो। उस पेड़ पर एक शव लटक रहा है जिसका नाम बेताल है। जाओ और उस बेताल को मेरे पास लेकर आओ। बेताल, तू चाहे कितना भी हमें डरा ले,
मगर हम तुझसे डरने वाले नहीं। जानता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कोशिश करने में क्या बुराई है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाने के बाद मैं तुमसे एक सवाल करूँगा। अगर सवाल का उत्तर जान कर भी तूने नहीं दिया तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अगर तूने सही उत्तर दे दिया तो मैं उड़कर वापस उस पेड़ पर जा लटकूंगा। और इस तरह वो बेताल महाराजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाने लगा। और कहानी सुनाने के बाद उसने महाराजा से एक प्रश्न पूछा। महाराजा विक्रमादित्य जैसे बुद्धिमान राजा के लिए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं। उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया और वो बेताल उसे वापस पेड़ पर जा गया। हम भी देखते हैं बेताल, तू हमसे कब तक बचेगा। और इस तरह महाराज विक्रमादित्य ने 24 बार उस बेताल को पेड़ से उतारा। जब 25वीं बार विक्रमादित्य उसे कंधे पर लटकाकर ले जा रहे थे तब उसने राजा से कहा, राजा जिस योगी के लिए तू मुझे ले जा रहा है ना, वो महाद्भुत और कपटी है। आज उसकी साधना का अंतिम दिन है। जब तू मुझे उसके पास लेकर जाएगा तो वह तुझे देवी के चरणों में रुकने को कहेगा। और जैसे ही तू सर झुकाएगा वो तलवार से तेरी गर्दन काट कर देवी के चरणों में चढ़ा देगा। वो हमारी बलि क्यों चढ़ा? क्योंकि सिद्धि के लिए उसे तेरी बलि की आवश्यकता है। क्या तुम उस भूत योगी को मारने में हमारी मदद करोगे? क्यों नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, समझा? राजन, आज देवी माँ मुझसे अवश्य प्रसन्न होगी। तू भी देवी माँ के चरणों में सर झुकाकर उनका आशीर्वाद ले। झुक जा माँ के चरणों में। योगीराज, हम आपके सामने अज्ञानी हैं। क्या आप एक बार स्वयं करके बताएंगे? बहुत ही आसान है, ये देखो। देवी प्रसन्न हुई और तुझे आशीर्वाद के रूप में एक नहीं दो दो विशेष सेवक देती हूँ जो तेरी रक्षा करेंगे। ये दोनों ही बेताल हैं। जैसे ही तू इन दोनों को याद करेगा ये तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रणाम काली माँ। मेरा भी प्रणाम लो काली माँ। महाराज अभी तो हम व्यस्त हैं, याद आए तो बुला लेना। धन्यवाद माते, आपने हमें बहुत नटखट बेताल दिए हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं। अब बताओ राजा भोज, क्या तुमने अपने जीवन में कभी ऐसा घोर तप किया है? क्या तुमने कभी इतना बड़ा बलिदान दिया है? यदि नहीं तो लौट जाओ, क्योंकि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं। आज फिर मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सका। मैं कल फिर आऊंगा, देखता हूँ कल कौन मुझे रोकता है। मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ।
दिखाना बंद कर और ये बता तू है कौन। मैं चंद्रकला हूँ, इस सिंहासन की तीसरी पुतली। चंद्रकला, अपनी दाल कहीं यार गला, आज मैं तुम्हारी किसी कहानी के बहकावे में आने वाला नहीं। जरा एक बात तो बताइए, क्या भी राजा विक्रमादित्य की तरह न्याय कर सकते हैं? अच्छा, हम भी तो जाने कैसा न्याय किया था राजा विक्रमादित्य ने। बहुत समय पहले की बात है, पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि उन दोनों में से ज्यादा बलवान कौन है। जब वो दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो उन्होंने देवराज इंद्र से इसका निर्णय करने को कहा। इसका निर्णय करना इतना आसान नहीं है, आप दोनों राजा विक्रमादित्य के पास जाइए, वे ही आपका सही न्याय कर पाएंगे। आप दोनों 6 माह के बाद आइए। राजा ने दोनों की बातों पर बहुत सोच विचार किया, परंतु कोई निर्णय पर ना पहुंच सके। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना दूसरे राज्य में जाकर इस समस्या का हल ढूंढा जाए। देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हैं, कुछ काम वाम कर लेते हो या नहीं है? जो काम कोई नहीं कर पाएगा आप वो काम मुझे दे दीजिएगा, मैं आपका वो काम कर दूंगा, विश्वास रखिए। विश्वास? तेरे पे विश्वास? अच्छा चलो चलो, जहाज पे माल लादना शुरू करो, हमें अभी ही निकलना है। चल रावण, हौसला रखो, ये तो फिर शांत हो जाएगा। अरे बचो बचो, पकड़ो उसको। तूफान थम गया है, अब सब ठीक है ना? अब लंगर उठाओ। सरकार, लंगर ऊपर नहीं आ रहा है, लगता है किसी बड़े पत्थर में फंस गया है। तुम नीचे जाओ और जाकर देखो कि लंगर कहाँ फंसा है। इतने घने जंगल में इतना खूबसूरत महल किसका हो सकता है? इस पट्टिका पे कुछ लिखा हुआ है, इस राज्य की राजकुमारी विवाह करेगी तो सिर्फ महाराज विक्रमादित्य से। हैं? कौन है ये राजकुमारी जो हमसे विवाह करना चाहती है? कौन हो तुम? बिना हमारी आज्ञा के तुमने अंदर आने का साहस कैसे किया? आपकी ये सुंदरता और आपके इस हाव भाव को देखकर लगता है कि आप ही इस राज्य की राजकुमारी हैं। हाँ, और तुम्हें अंदर आने के लिए दंड दिया जाएगा। दंड? राजकुमारी जी,
नगर के द्वार पर आपने लिख रखा है कि आप विवाह करेंगे तो सिर्फ महाराज विक्रमादित्य से, और जब विक्रमादित्य स्वयं आपके सामने आकर खड़ा है तो आप उसे दंडित करने की बात कर रही हैं? आश्चर्य! आप राजा विक्रमादित्य हैं? जी हाँ राजकुमारी जी। और फिर उस राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य से विवाह कर लिया। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद राजा विक्रमादित्य अपने देश उज्जैन के लिए निकल पड़े। राजन, मैं तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। और तुम्हें ये दो चीजें भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। इस फूलों की माला को जो भी पहनेगा उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इस माला को पहनने वाला सबको देख सकेगा, लेकिन उसे कोई भी नहीं देख पाएगा। राजन, इस छड़ी का चमत्कार यह है कि रात को सोने से पहले इस छड़ी से जो भी आभूषण मांगोगे वो आभूषण पलक झपकते ही तुम्हारे सामने होगा। अन्नदाता, हम दोनों आपके सेवक हैं। महाराज, हम दोनों का जीवन गरीबी में कट रहा है। आप ऐसा कुछ कीजिए कि हम दोनों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। हमारे पास ये माला और ये छड़ी है, ये हम तुम दोनों को भेंट करते हैं। और बिना कुछ सोचे समझे राजा विक्रमादित्य ने वो दोनों बहुमूल्य चीजें दान कर दी और साथ में उनके गुण भी बता दिए। ये हमारा भाग्य था जिसके कारण हमें ये फूलों की माला और छड़ी मिली थी, परंतु आज उस ब्राह्मण और भट्ट ने अपने पुरुषार्थ के बल पर इन दोनों चीजों को पा लिया। इस छोटी सी घटना ने हमें पुरुषार्थ और भाग्य के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। भाग्य, पुरुषार्थ, हमें तुम दोनों की समस्या का हल मिल गया है। सुनो, इस संसार में बिना पुरुषार्थ किए कोई भी काम संभव नहीं, लेकिन यह भी सच है कि मिलता उतना ही है जितना कि किसी के भाग्य में लिखा होता है। इसीलिए ना तो भाग्य अधिक शक्तिशाली है और ना ही पुरुषार्थ, ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। वाह महाराज, आपने अपने इस निर्णय से हम दोनों का मन जीत लिया है। जी हाँ महाराज, हम आपके इस निर्णय से संतुष्ट हैं। हे राजन, क्या आप भी राजा विक्रमादित्य की तरह इतने ही दानवीर और बुद्धिमान हैं? अगर नहीं तो लौट जाइए, क्योंकि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं। जा रहा हूँ। महाराज प्रणाम। अब तू कौन है? मेरा नाम है काम कंदला। मेरा दिल मत जला, तू है क्या बला और मेरे सामने खड़ी है क्यों भला? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम में उस तरह की दानवीरता और त्याग करने की क्षमता है जिसके लिए राजा विक्रमादित्य जाने जाते हैं? मैंने भी कई यज्ञ किए हैं और मैं भी दानवीर हूँ। तुम किस तरह की दानवीरता और कौन से त्याग की बात कर रही हो? एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में अपने सभासदों के साथ बैठे थे। उनके दरबार में
एक तेजस्वी ब्राह्मण ने प्रवेश किया। राजन, मैं यहाँ सीधे मानसरोवर से आ रहा हूँ। कुछ दिनों से मैं वहाँ एक विचित्र घटना देख रहा हूँ जिसने मुझे अचंभित कर रखा है। कैसी विचित्र घटना ब्राह्मण देव? एक दिन की बात है, मैं मानसरोवर के किनारे तप कर रहा था। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, मानसरोवर के बीचों बीच एक स्तंभ का भी उदय हुआ। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता गया, वो स्तंभ भी ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया, और दोपहर तक तो वो स्तंभ आकाश को छूने लगा। और राजन, जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, वो स्तंभ भी छोटा होने लगा, और सूर्य अस्त के बाद तो वो स्तंभ वापस मानसरोवर में विलीन हो गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। इस स्तंभ के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? मैं बताता हूं राजन। एक दिन की बात है, सूर्य देव और सारे देवताओं के बीच बहस छिड़ गई। देवराज इंद्र, मैं सूर्य हूँ। सूर्य, जो भी मेरे सामने आएगा वो मेरी आग में जलकर भस्म हो जाएगा। देवता भी मेरे तेज के सामने खड़े नहीं रह सकते। सूर्य देव, आप देवताओं की बात करते हैं? धरती पर एक ऐसा मानव है जो आपकी तेज गर्मी को सहन कर सकता है? नामुमकिन। कौन है वो? राजा विक्रमादित्य। राजन, सूर्य के करीब जाकर आप बता दीजिए कि आप में सूर्य देव के तेज को सहन करने की शक्ति है। इंद्रदेव ने जिस विश्वास के साथ सारे देवताओं और स्वयं सूर्य देव के सामने हमारे नाम का प्रस्ताव रखा है, उसका हम अवश्य मान रखेंगे। कहिए राजन, आपने हमें कैसे याद किया? क्या आपके लिए स्वादिष्ट भोजन ले आऊं? या तो आपके इस महल को सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भर दूं? क्या तुम दोनों मानसरोवर का रास्ता जानते हो? मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर। अबे भूत की ओला, भूल गया? अभी थोड़े दिन पहले ही तो मैंने तुझे उसमें डुबकी लगा लगा कर तरोताजा किया था। हाँ, तभी मैं कहूँ कि ये नाम मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा है। राजन, तो कब चलना है आपको मानसरोवर की सैर करने? इसी क्षण हमें सूर्योदय से पहले वहाँ पहुँचना है। अभी लो राजन। हाथी बनाए मधुमक्खी के छत्ते, शेर खाए जंगल में पत्ते, कर देना सब गुड़ गोबर। ले चलो हमें मानसरोवर। चलो मानसरोवर। याहू! ले लीजिए, आ गया आपका मानसरोवर। अब तुम दोनों जाओ। जो आज्ञा महाराज। क्या है सारथी? रथ को उस स्तंभ के पास लेकर चलो। हे सूर्यदेव, विक्रमादित्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। भगवान, आपके दर्शन
और आपका आशीर्वाद हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। हे राजन, इसे ग्रहण करो। इस कुंडल की ये विशेषता है कि इसे धारण करके तुम जब भी जो भी इच्छा करोगे वो अवश्य पूरी होगी। तुम दोनों हमें वापस हमारे राज्य में ले चलो। रास्ते में हम तुम्हें पूरी कहानी बताएंगे। गधे से मिल गए घोड़ी के नैन, दोनों को नाही रात में नींद दिन में चैन, नैन मटका करते है दोनों दिन रैन। वाह 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 वाह, सोचो मत ले चलो। वाह वाह हमें उज्जैन, वाह वाह हमें उज्जैन, वाह वाह हमें उज्जैन। महाराज, आपने क्या कहानी सुनाई? अब ये कहानी में अपने भूत दादा, भूत दादी, भूत नाना, भूत नानी, भूत चाचा, भूत अपने होने वाले पोते पोतियों को नहीं सुनाएगा? उन्हें भी सुनाऊंगा। पहले मेरी शादी तो करवाओ। तुम और तुम्हारी बातें। अच्छा जाओ अब। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आप जैसा वीर राजा पूरी पृथ्वी पर नहीं है, और मैंने तो सुना है कि आप परम दानी भी हैं। क्या आप इस ब्राह्मण को कोई दान नहीं देंगे? हे ब्राह्मण देव, मांगिए, क्या चाहिए आपको? आपके कानों में जो सूर्य देव के दिए गए कुंडल शोभा दे रहे हैं, आप वही मुझे दान कर दीजिए। हे राजन, आपका यश युगों युगों तक इस पृथ्वी पर बना रहे। हे राजा, क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिसमें देवताओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपने अपने प्राणों की आहुति दे दी हो? क्या आपने कभी बिना सोचे समझे ऐसा दान दिया है जैसा कि राजा विक्रमादित्य ने किया? आपके हाव हाव और आपकी खामोशी बता रही है कि आपने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो आपको राजा विक्रमादित्य के इस सिंहासन पर बैठने के लायक बना दे। जाइए राजा, लौट जाइए। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more fun videos.